स्वागत हो रश्मिता, कैसे हैं आप? जैसा कि शीर्षक है इस वीडियो का, एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव कुछ इस तरह की भी सीरीज बनाए। क्या सीरीज? कि कितने प्रकार के मैथुन होते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसको अष्ट एट टाइप्स ऑफ कपिलेशन बोला गया है। काम शास्त्र की दृष्टि से वात्सायन ऋषि के अनुसार तो नंबर एक पे, हालांकि जो शास्त्रों में पहले नंबर पे जो मैथुन बताया है वो बताया है स्मरण, स्मरण करना। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर या फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकल बात, शास्त्र कहता है कि यदि आप जो है किसी महिला के या फिर महिला किसी पुरुष के बारे में स्मरण करते हैं कामुक भाव से, ऐसे तो बहन भाई भी एक दूसरे को याद करते हैं कभी कभी और माँ बेटे भी करते हैं एक दूसरे के लिए, किंतु यहाँ पे काम भाव से कहा है। तो मैं यहाँ स्मरण को पहले नंबर पे ना ले करके मैं यहाँ पर लूँगा श्रवण, श्रवण, क्योंकि आदमी स्मरण बाद में करता है, सुनता पहले है। क्योंकि छोटे बच्चे से जब बड़ा बच्चा होता है, किशोर बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की ओर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से सुनता है चर्चा के लिए, सुनता है सेक्स के बारे में, सुनता है स्त्री या पुरुष का परस्पर जो आकर्षण है किन कारणों से है, उन चीज़ों के बारे में वो सुनता है। उसके हो सकता है क्लासमेट या फिर रूममेट या फिर उसके नाते रिश्तेदार उसको सिखाएं पढ़ाएं, ध्यान दें। तो इससे भी अपने बच्चों को या फिर अपने आप को बचा के रखना है। थोड़ा और विस्तार से कहें इस बात के लिए तो वो ये है कि ऐसे लोगों से बचना है जिन लोगों की बातों को सुनकर के, जिन शब्दों को सुनकर के आपके मन में एक लस्ट का, एक बर्निंग डिजायर या बर्निंग एपेटाइट फॉर द लस्ट और कॉपुलेशन में अराइज यदि उत्पन्न होती है कोई ऐसी ज्वलंत इच्छा संभोग की, भूख की या उसकी प्यास की, थर्स्ट फॉर लस्ट, तो ऐसे लोगों से बच के अपने आप को रखना है। तो पहले श्रवण, क्योंकि जब आप श्रवण करते हैं तो फिर उस पर आप चिंतन भी करते हैं, स्मरण करते हैं उन चीज़ों के बारे में, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसलिए जो है इन, पहले श्रवण है, दूसरे बारे में स्मरण है। हालांकि काम शास्त्र में स्मरण को पहले लिया है, लेकिन मैं काम शास्त्र ने अनुभव के आधार पर बोल रहा कि हम पहले सुनते हैं किसी चीज़ के बारे में, तब उसके बारे में हम माइंडली रिपीटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो इस तरह की आपसे चर्चा करें और आप सुने उसके लिए और फिर मन में मनन करें। तो ये भी एक काम है, सेक्स है, और इससे भी ब्रह्मचर्य की हानि होती है। श्रवण स्मरण, शास्त्र के अकॉर्डिंग स्मरण पहले है, मेरे अकॉर्डिंग श्रवण पहले, श्रवण के बाद स्मरण, अब तीसरा आता है, तीसरा मैथुन जो है, क्योंकि मैथुन केवल लिंग और योनि का नहीं होता, उससे पहले बहुत कुछ घटित होता है, तब जा कर के होता है। और उन आठ प्रकार के मैथुन से अपने आप को जो बचा लेता है वही जो है ब्रह्मचर्य पर नियंत्रण करने की ओर चलता है, अग्रसर होता है। तीसरा है कीर्तन, फिर किसी का गुणगान करना, सेक्स के बारे में या किसी लड़की के बारे में या लड़के के बारे में कीर्तन करना, आपस में ग्रुप डिस्कस करना, लड़कियां लड़कों के बारे में, लड़के लड़कियों के बारे में, उसकी बहुत ज़्यादा खूबियों के बारे में, खूबी क्या,
समझना, माने काम भाव से, कामुकता से ग्रसित होकर के उस पर चर्चा करना कि वो ऐसी है वैसी है ना, ये इस तरह की चर्चाएं से अपने आप को कीर्तन भी नहीं करना है, किसी के सौंदर्य की प्रशंसा करना काम भाव से, कामुकता से, और मन में सांप लौट रहा है कि काश हमको इससे सेक्स करने के लिए मिले, और इस भाव से आप किसी की लड़की की या लड़की किसी लड़के की शारीरिक सुंदरता की, चार्मिंग की, उसकी ड्रेस की और उसके हेयर स्टाइल की, समझ रहे ना, कामुकता के भाव से। वैसे अच्छे भाव से आप किसी की भी कभी कभी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जब कामुकता का भूत आप पे सवार होता है तो लगातार लड़की लड़के की, लड़का लड़की की, वो लगातार वो चर्चा कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर करता है। इन चीज़ों से अभी आपको बचा के रखना होगा कि सेक्स और भाव को ध्यान में रख करके आपको किसी की परस्पर प्रतिलिंगी की प्रशंसा नहीं करनी है। और साथ में जो है ये श्रवण स्मरण, और ये तीसरे नंबर पर कीर्तन, और चौथे नंबर पर आता है प्रेक्षण। प्रेक्षण माने देखना, घूरना। कोई लड़की निकल के जा रही है, सज धज करके जा रही है, और आप जो है बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक घूर घूर के देखते हैं। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। वो कहानी क्या है, जब मैं इलाहाबाद में एक कुंभ में गया था, बहुत पहले की बात है, तो अंग्रेजों के बीच में भी बड़े बड़े गुरुओं के पास में अंग्रेजन भी आते जाते रहते थे, तो उनसे भी कभी कभार चर्चा होती थी, और चर्चा में हमने पूछा आपको भारत का क्या ज़्यादा अच्छा लगा। बोले भारत में करीब करीब सब ठीक है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी जलालत की बात है, जो बुरी बात है, जो वैसे तो कॉमन है लेकिन हमारे यहाँ पर इसको एबनॉर्मली लेते हैं। हमने कहा वो क्या? बोले यहाँ पर कोई लड़की या स्त्री के लिए यहाँ के जो आदमी हैं, जो चौराहे पे खड़े हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, बड़ी देर तक घूर घूर के देखते हैं, बड़ी देर तक देखते हैं बड़ी दूर तक देखते हैं उसके लिए, जैसे आँखों से वो, ऐसा लगता है वो आँखों से प्रेग्नेंट कर देंगे उस लड़की के लिए, गर्भवती बना देंगे। तो ये प्रेक्षण की जो है, कामुकता के भाव से आप किसी को लंबे दूर तक देख रहे हैं। हालांकि ऐसा भी होता है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पत्नी या पति या हमारा पुत्र, कुछ भी, या प्रेमी, जब कोई दूर जाता है तो उसको भी हम बहुत दूर तक देखते हैं, लेकिन उसमें कामुकता नहीं होता, उसमें प्रेम होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप प्रेम से देख रहे हो कि कामुकता से देख रहे हो, ध्यान दें। तो इस तरह से भी जो उनको जो प्रेक्षण है, नहीं देखना, बहुत सारे लोग कि लड़की के हिप्स कैसे हैं, बूब्स कैसे हैं, क्या पहन के जा रही हो, सब जो है, समझ रहे ना। इसके साथ में ही एक आता है केली। केली, केली कहते हैं, केली कौन से नंबर पे? स्मरणम, श्रवण, 3, 4, 5। पांचवें नंबर पे केली। केली का अर्थ होता है हंसी मजाक करना, दिल्लगी करना, खिलवाड़ करना, खिलवाड़ करना। जैसे अब बहुत सारे लोग जो हैं खेल खेलते हैं, क्या खेल खेलते हैं? खेल खेलते हैं लड़कियों के साथ में, समझ रहे ना, और फिर उसी खेल खेल में उनके अंगों को भी टच करके वो अनुभूत कर लेते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। कभी कैरम बोर्ड खेलते हैं लड़कियों के साथ में, या लड़के के साथ में लड़कियां खेलती हैं। माने ये परस्पर जाने का एक बड़ा लॉजिक है, ये बड़ा एक तरीका है कि खेल के बहाने से ताश भी खेलते हैं आपस में, है ना, और जाने कितनों की तो यहीं पर सेटिंग हो जाती है खेलते खेलते। ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, हेलो, नॉन प्रैक्टिकल कुछ नहीं है गुरुदेव के पास, और होता है तो मैं कह देता हूँ कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं, ये थ्योरेटिकल जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, इस तरह के जो खेल खेले जाते हैं उसमें हंसी हंसी में लड़की की जांघ पे हाथ मार देना, या उसके कंधे पे मार देना, या उसका गाल खींच लेना, या औरतें भी ऐसी होती हैं, लड़कियाँ भी जो लड़कों के हाथ मार के बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, समझ रहे ना, तो इससे भी ब्रह्मचर्य की हानि होती है, ठीक है, अगर भावनाएं नितंत गंदी। हाँ, बहन भाई हैं, कुछ हैं, वैसे आप समझ सकते हैं कि अगर भावना गंदी है तो आपके अंदर क्या भाव होता है, किस भाव से आप मार रहे हो बेटा हाथ, थपकी लगा रहे हो ढोलक पे उसकी, ये तुम्हें पता है। तो इसके साथ में एक आता है, छठे में आता है श्रृंगार करना। ब्रह्मचारी लोगों के लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं,
उनको तरह तरह के सेंट डालना, हेयर स्टाइल रखना, बाल बनाना, खुशबूदार चीज़ें डालना, माने लटके झटके वाली, माने इस तरह की चीज़ें पहनना जिससे वो सेक्सी दिखें जो है, ऐसी चीज़ों से उनको बचाव रखना चाहिए। ज़्यादा तेल डालना, ज़्यादा कंघी करना बालों में, ये सब चीज़ें आती, माने श्रृंगार। स्वच्छता तो रखनी चाहिए, बालों की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, लेकिन श्रृंगार आप समझ सकते हैं, श्रृंगार आप अपने को बना रहे हो, आप डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो अपनी, अगर वो किसी औरत का ध्यान अपनी ओर खींचने के भाव से कर रहे हो, या इसलिए कर रहे हैं लोग मेरी ओर देखें, तो मेरी ओर देखें, मेरी तरफ आकर से तो मेरी तारीफ़ करें, तो निश्चित रूप से ये ब्रह्मचर्य की हानि, ये भी एक छठे नंबर का मैथुन में आता है। और इसके साथ में फिर सातवें नंबर का जो होता है गुह भाषण। गुह भाषण को कहते हैं कि एकांत में स्त्रियों से या स्त्री पुरुषों से बातें करें, समझ रहे हैं, एकांत में, इससे भी ब्रह्मचर्य की हानि हो सकती है। अब यहाँ पर मैं दूसरा लॉजिक देता हूँ, बहुत से डॉक्टर हैं जो एकांत में ही देखते हैं, चेकअप करते हैं, खैर डॉक्टर तो ऑपरेशन भी करते हैं नंगा करके, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्सनली काउंसलिंग कर रहे हैं, यदि वहाँ पर कामुकता का भाव नहीं है तब तो वो जो है ट्रीटमेंट हो गया, और यदि कामुकता का भाव है तो वो मैथुन की श्रेणी में आएगा, एकांतिक चर्चा। ऐसी चर्चा जिस चर्चा के करने से आपके अंदर से कामुकता का जो हार्मोन्स है वो रिलीज होने लगे, आपकी चड्डी के अंदर गीलापन या आपका जो यौनांग है अगर वो हलचल करने लगे, अंगड़ाई लेने लगे, मैं और बता रहा हूँ आपको खुल के, उसमें हलचल होने लगे, सेक्स के विचार मन में अगर चलने लगे या मन में आने लगे, काश इस लड़की की हमको लेने को मिल जाती, या लड़की सोचती काश इसके इसका आनंद मिलता है इस लड़के के साथ सेक्स करने, बड़ा हटा हटा है, एकांतिक है, तो अगर ऐसी भावनाएँ बन रही हैं तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य का खंडन आपके द्वारा हो रहा है। और ऐसा अधिकांशतः 99% एकांतिक चर्चा अगर लगातार हो रही है, किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके ब्रह्मचर्य का पतन शुरू हो रहा है या हो चुका है, ये बड़ी बारीक बातें हैं। हालांकि मैंने पहले भी कह दिया, अगर ट्रीटमेंट की दृष्टि से एकांतिक चर्चा हो रही है, जैसे किसी लड़की, जैसे मान लो कोई ज्योतिषी है या कोई जादूगर है, मदारी है, और वो खुलेआम मंच पर किसी की कमियाँ बता रहा है, तो ये एक अपराध है, यह हनन है, उसके सम्मान की हत्या है, उसकी खुशियों की हत्या है, जीते जी मार डालना है कमियां बता के। तो प्राइवेट में अकेले में आप किसी की काउंसलिंग करके उसकी कमियां भी बता सकते हैं, वो काउंसलिंग और एज ए ट्रीटमेंट की दृष्टि से, उपचार की दृष्टि से तो बेहतर है, लेकिन आप निरंतर इस तरह की एकांतिक प्रक्रिया को ज्वाइन कर रहे हैं या आपको करवाया जा रहा है, और वहाँ पर आपके मन में कामुकता के भाव का संचार हो रहा है, तरंगे बन रही हैं आपके मन में, आपकी योनि चालन हो रही वहाँ पर, और मन में जो है कामुकता का एहसास हो रहा है किसी के छूने से, किसी के बोलने से, एकांतिक चर्चा, तो निश्चित रूप से आपका ही ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है, और ब्रह्मचारियों को इन चीज़ों से भी, या ब्रह्मचारिणियों को भी इन चीज़ों से भी परहेज रखने की आवश्यकता है। ये शास्त्रीय दृष्टि से और प्रैक्टिकल चीज़ों से हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। लास्ट का जो आठवां है, ये सातवां हो गया, आठवां क्या है, आठवां है समागम। समागम कहते हैं सेक्स के लिए, इसके बाद तो वह संभोग ही हो गया, वो तो पूर्णतया एनर्जी जो है आपकी रिलीज हो जाती है, रिलीज ड्रॉप डाउन हो जाती है, तो ये आपका अष्टदा मैथुन के प्रकार बताए हैं। यदि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहते हैं तो अपने अंदर और अपने बाहर इन चीज़ों से आपको परहेज करना ही चाहिए। साथ में एक और है जो हमारे शास्त्रों में नहीं था, वो है हस्त मैथुन। ये हस्त मैथुन भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये अष्टदा मैथुन का हिस्सा नहीं है, ये जो है अरब कंट्री से या अंग्रेजों के यूएसए, पाश्चात्य जगत, या फिर जो मध्य एशिया में जो वो अपना आता है वही सब, जहाँ पे अरब है, इस्लाम की धरती जहाँ पर है, वहाँ से ये सब चीज़ें संचारित होकर के आई है। ये संचारित दोष है मानसिक और शारीरिक, ये
अष्टदा मैथुन के बाहर का है या प्राकृतिक जो है यहाँ पर जो है, ठीक है ना। कोई नहीं मिला तो हाथ से हिला लिया, उंगली कर लिया, तो आठ ही नहीं ये नौ प्रकार के हैं। और इन चीज़ों से जितना हो सके अपने को दूर रखिए। हाँ, जिस दिन आपकी ऊर्जा पे कमांड हो जाएगी, ब्रह्मचर्य पे कमांड हो जाएगी, हठ योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, है ना, जो कुंडली योग के द्वारा, फिर तो ये चीज़ें, फिर तो आप वेश्याओं के बीच में भी रहोगे ना, रंडियों के बीच में भी रहोगे। कितनी भी सेक्सी नंगी लड़कियाँ अगर चड्डी में भी हैं, चड्डी उतार के भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी, तो भी तुम्हारे बिना इच्छा के खड़ा नहीं हो सकता तुम्हारा हथियार। बोची जाला गया, अगर बोची तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुई है तो तब तक तुम्हारे लिए इन चीज़ों से परहेज करने की ज़रूरत है। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। और आगे कोई वीडियो बनवाना तो व्हाट्सएप पर पर्सनली आप लिख के भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे निष्पक्ष होकर के आपको उपयोगी जानकारी देने के लिए। ओम।